दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो भाई आज हमारी जंगलों में, हिमालय के जंगलों में पहली सुबह है। कल की नाइट पहली नाइट थी, तो नाइट तो बड़ी मस्त रही और अभी हम जागे हैं। तो नरेंद्र भाई ने आग जला दी है बाहर। अब जा करके देखते हैं, हाथ मुंह धो के फ्रेश होते हैं तो ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम जंगल में घूमने के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। और अपने सूर्या साहब भी जाग रहे हैं, अभी आंखें मल रहे हैं। भाई कैसी रही आपकी नाइट? बढ़िया। बढ़िया भाई, ऐसी नींद तो भाई साहब कई जमानों के बाद आई। जमानों के तो बाद नसीब में मिली ऐसी। चलो ठीक है, हम भी जागते हैं। अब भाई जाग गए, उधर आगे निकल गए, वो भी कुछ कर रहे हैं तो हम आग भी लग गई करते हैं हमको। कुछ। आग लग गई है, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय शंकर। तो भाई अभी हमारी जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो रही है। ये देखिए अपना कैसे चला है काम। और ये हैं हमारे मास्टर शेफ ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई। केना, केना। और ये भाई आ रही है पहली रोटी सुबह की, जो हम माता रानी के नाम पे अर्पित करेंगे इस रोटी को। तो दोस्तों ये है अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अभी मिस्सी रोटी बनाई है हमने। भाई साहब कैसा बना है ब्रेकफास्ट? एकदम बढ़िया। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कोई फिर देसी निकलते हैं। टका टक। तो दोस्तों हमने जो अपना ट्रैकिंग का सफर एडवेंचर का वो शुरू कर दिया है, और अभी हम जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं, यहाँ फंस चुके हैं। और यहाँ पे हमारा सामना किसी से भी हो सकता है, जैसे भालू हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, और अपना बाघ हो गया। तो देखते हैं कोई मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल देखते हैं अपने सूर्य साहब कहाँ फंसे हुए हैं। ये भैया ऐसा रास्ता है हमारा। मुश्किल भरी परिस्थितियां। इसके अंदर तो भाई भालू का घर लग सकता है। और ये इधर से होकर के जाना है हमने। तो दूसरे भाई साहब उधर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने जंगल क्रॉस कर दिया और अब हम पहुंच चुके हैं ग्लेशियर पे। और ये वाला जो जंगल है ये क्रॉस करके आए हम नीचे इस एरिया से होकर के, और अब हमने जाना है इस ग्लेशियर के ऊपर से वहां तक। भाई कैसा फील हो रहा है बर्फ के ऊपर चलते हुए? पर देख के जाइयो, अंदर से पूरी नदी चली हुई है ग्लेशियर के नीचे से। ये नाले वाला ग्लेशियर है, कहीं लूज भी हो सकता है। शंकर गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा सर्वाइवल चैलेंज का दूसरा दिन। कल का दिन काफ़ी मस्त रहा, बीच में थोड़ा रास्ता भटक गए, जंगलों में फंसे, पर करते कराते हमने सब कुछ कर दिया। तो कल हम गए थे उधर कालावन साइड में, जो कालावन की निचली साइड है, और आज हम जाएंगे वो पार के सामने वाले जंगलों में। ये नीचे से नाला खड्ड क्रॉस करके हमने पार जाना है, और ये सारा माउंटेन एरिया जो है हमने वो चेक करना है, और शाम को फिर वापस आना है। तो यहाँ भी ये जितना भी एरिया, इसमें सारे उसमें जो जंगली जानवर हैं वो रहते हैं। तो अब देखते हैं कि उनसे भी मुलाकात होती है कि नहीं होती है। कल तो नहीं हुई, कल वैसे सबूत मिले थे ताज़ा ताज़ा कि हमारे आगे कोई भालू गया है, पर मिला नहीं। तो अब उधर जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बाकी अपनी टीम बिल्कुल रेडी है।
ये पहले भी उधर जाके आए, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस है उधर का, कैसा एरिया है? एरिया तो भाई काफी डेंजर है जी, अभी आप देख रहे हो, देखने में ही काफी डेंजर लग रहा है। हाँ, तो वो जाके तो है। तो अभी खुद देख सकते हो आप, तो बाकी जाके हम आपको थोड़ा उसको लाइव दिखाएंगे। हाँ, वो अब वीडियो कल तो नहीं बना पाए थे, कल एरिया थोड़ा टफ था, कैमरा होल्ड करने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम कैसे क्रॉस करते हैं। कभी पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी पेड़ों के नीचे से घुस के जाना पड़ता है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी क्लिप बना करके वो आप सबको दिखाऊं। तो पिछली बार कोई मिला था भालू या जंगली जानवर? पिछली बार भी आप आए थे। भालू तो इस जंगल में मिलता ही रहता है, दूर से दिखाई दिया था, कंटिन्यूटी में दूर से दिखे। चलो भगवान करे कि इस बार दूर से भी ना दिखे जी, अगर दिख गया तो मैं कोशिश तो करूंगा कि मैं वो आपको भी दिखाऊं, पर वो उस टाइम तो फिर अब सिचुएशन क्या होगी वो तो भगवान ही जाने। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जंगल में जाके। जय शंकर। दोस्तों ये है हिमालय में पाया जाने वाला घोंघा, जिसको स्नेल बोलते हैं, और इसका कलर देखिए बिल्कुल रेडिश है। ये भी कहीं चली है या चला है अपनी मंजिल की तरफ, तो चलिए हम भी अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं झरने के पास, ये देखिए कितना खूबसूरत झरना है, और अब हमने जाना है यहाँ से हो करके उस रास्ते से पार को। रास्ता ऐसे करके हम एडवेंचर ट्रैकिंग करते हैं। ये देखिए गोरिल्ला गोरिल्ला लोग निकल रहे हैं इधर से। अभी गोरिल्ला नंबर दो, ये अपने भालू अभी निकलने वाले हैं रास्ते के लिए। तो दोस्तों यही हमारा रास्ता होता है, रास्ता खुद बनाना पड़ता है, कभी पेड़ों के ऊपर कभी पेड़ों के नीचे से, काफी मुश्किल के बाद हम थोड़े प्लान एरिया में पहुंचे हैं। पहुंच गए पहुंच गए। तो भाई ये हैं अपने झूले लाल, एडवेंचर के दौरान थके हैं तो आराम कर रहे हैं अभी, और झूला झूल रहे हैं साथ में। वाह रे वाह, क्या मौज है, मौज कर दी रे। ओ आपका औजार गिर गया नीचे, चलो फिर चलते हैं धीरे धीरे। तो भाई हमारी गोरिल्ला फोर्स जो है अभी पीछे से आ रही है, मैं तो नीचे से निकला ही है, ऊपर ऊपर से आ रहे हैं। वो नीचे से आओ यार। आराम से हाय।
तो जय शंकर गुड मॉर्निंग। तो हमारी सर्वाइवल सीरीज का आज चौथा दिन है और आज हम पहुंच चुके हैं सतरुंडी की खूबसूरत वादियों में। तो मैं आपको ये खूबसूरत वादी का पूरा एरियल व्यू दिखाता हूँ, कहाँ से क्या दिखता है और कितनी खूबसूरत वैली है और साचपास का जो रोड है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो मैं पूरा दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो सामने बस्ती दिख रही है, ये हैं हमारे चुराह के लास्ट गांव जो हैं, ये सुइला वगैरह हो गए और इसके ऊपर का ये टॉप है और यहाँ से शुरू होती है हमारी साचपास वैली। ये है सतरुंडी और सामने साचपास वैली, वो लास्ट तक पहुंच गई है रोड, वहां तक मशीन कटाई कर रही है वहां से ऊपर। तो चलिए अब आगे का सफर शुरू करते हैं।